क्या हुआ इतना लेट कैसे? साइकिल पंचर हो गई थी। हर रोज कोई ना कोई बहाना करके लेट करती है। ये टेस्ट करो। नहीं, तुम्हारी तरह छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट हो गया क्या तुम्हारा? मेरा अब तक हुआ नहीं। सही कहा। हाँ, पर तू चेक कर लेना, तेरा काम हो गया होगा तो मैं कर लूँ। क्या हाल है? इसे देखकर मेरा भी मन कर रहा है स्कूल जाने का। भाई रवि को स्कूल जाने का। क्या है, रोज मुझे देखकर कमेंट करते हो? तुझे कौन देखता है? तेरे पास है क्या जो तुझे देखेंगे? क्यों उसकी तरफ क्यों देखते हो, मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? तेरा लेक्चर बहुत हो गया, अभी जा, चल यहाँ से, चल जा। हमें इनसे क्या लेना देना, चलो यहाँ से। अरे देखो तो, तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अरे जाने देना वो सब। नहीं, तुझे अभी बताना पड़ेगा। दादी माँ, मुझ में कुछ कमी है। अकल की कमी है। सच में तुमसे पूछना ही बेकार है। हर्षिता, मुझे घर में बहुत काम है। अरे आओ ना माँ। कहाँ जाना है बताओ तो। क्या लड़की है तू, ठीक से बैठो ना। अरे यहाँ पर क्यों लेकर आई? बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, गायनेकोलॉजिस्ट है क्या? सॉरी मैडम, आज फीमेल डॉक्टर नहीं, बस मेल डॉक्टर है। क्या हुआ है? कौन है, नाम बताएंगे प्लीज? वन सेकेंड। महेश सर हैं, श्रीकांत सर हैं, सुब्बा राव सर हैं और रमेश सर भी। सुब्बा राव जी का अपॉइंटमेंट दीजिए। ओके मैडम, रूम नंबर 3 में जाइए। ओके। अरे क्या हुआ बताइए, क्या परेशानी है? बताना। प्रॉब्लम किसको है, आपको या आपको? मुझे है। हाँ तो आप जरा बाहर वेट कीजिए, ये नहीं, बताने नहीं, में नहीं, थोड़ा हिचकिचा रही है। नहीं नहीं, रहने दो मम्मी को। ठीक है तो बताओ। देखो, वकील और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो वैसे अभी वो थोड़े छोटे हैं ना। छोटे हैं? आँखें? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली उन्हें बिग साइज में लाने के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन थोड़े हेल्थ इश्यूज आएंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है। क्या है? मतलब अभी मार्केट में मिलते हैं रेडीमेड। नेचुरल दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो आपको जिस साइज का चाहिए उस साइज का आपको मिल सकता है। वो आपको मेडिकल स्टोर में जाएंगी तो मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है। पता लगाओ देखते हैं। मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। ये क्या भाई, ये कैसा बदलाव है? अरे बदलाव ही प्रगति का नियम है भाई। भाई आपने ही कहा भाई। Yeah.
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। माँ खाने के लिए कुछ बना है क्या? टाइम हो गया है ना, स्कूल नहीं जाना है क्या? आज भैया कॉलेज जा रहे हैं ना। मतलब अगर वो कॉलेज जाएगा तो तू स्कूल नहीं जाएगी क्या? चल ठीक है, सारे कपड़े ठीक से रख दिए है ना? हाँ, कब के? माँ, ये क्या है माँ, बैग में सारे कपड़े क्यों नहीं है? क्या हुआ भैया? सारे कपड़े नहीं है माँ। अपनी बहन से ही पूछ ले, इसी ने ही सारे कपड़े रखे हैं। सारे कपड़े तो यही हैं। कहाँ सारे हैं, ज्यादा मत बोल। हाँ, अगर मैं सारे कपड़े रख दूंगी तो आप भी पापा की तरह लौट कर नहीं आओगे? पापा हमारे लिए ही तो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, इस साल जरूर आएंगे वो। तुम दुखी मत हो और मैं तो यहाँ आता रहूंगा ना, परेशान मत हो। चलता हूँ माँ, बस का टाइम हो गया, निकलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, बाय माँ। मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना है और खाने समय पे खा लेना। ठीक है बेटा। बेटा संभल कर जाना, ठीक है? मत रोको उसे। यार गांव से कॉलेज जा रहा हूँ ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे तो रोना भी आ रहा है यार। पहली बार हम लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं तो ये सब तो होना ही है। चलो चलते हैं। ए, हाँ? वो कहाँ से लाया? अरे ये मेरा है। मुझे दे दे यार। नहीं मैं नहीं दूंगा। अरे देना यार। बोल रहा हूँ नहीं दूंगा। बस करो यार, हमेशा लड़ते रहते हो। चलो जल्दी। ए, बस आ गई यार। अरे भैया रुक जाओ, रुक रुक रुक, चल 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 आजा आजा। बाय। तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है सर? वो दिखाओ मुझे। हाँ हॉस्टल में भूल गया सर। क्या कहा, भूल गया? अल्जाइमर हुआ है क्या? हाँ जी सर। ओ पी भवन इंटर सेकेंड ईयर, जिस कार्ड के बारे में तुम बोल रहे थे भूल गया, वो तो यहां मिल गया। ये वही है ना? सो हॉस्टल में कार्ड भूल गए, ये बात झूठ थी ना? नहीं नहीं सर। तो फिर ये कार्ड तुमने कहाँ खोया था और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया, जरा बताओ। सर ये कार्ड कहाँ गुम हो गया मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं पता? नहीं सर। मैं बताऊं क्या सर? क्लास मिस करके और इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये किसी को पता ना चले, वार्डन की नजरों से बचकर तुम बगल के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे तो ये वहीं गिर गया था। सर मैं वहां पर नहीं गया था, पता नहीं ये कार्ड वहां कैसे पहुंच गया सर। आर यू श्योर? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। हे ये सर। सर ये क्या है? क्रिकेट बैट है सर। ये कहां मिला पता है तुम्हें? सर मुझे नहीं पता। ये तेरे रूम तूने दूसरी बार झूठ बोला। नहीं सर। बिल्कुल नहीं। अब तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं, अपने पेरेंट्स को लेकर आ। सर सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। स्टॉप इट। ए स्टॉप इट सर। रोने से मुझे बहुत चीड़ है। इस कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं रैंक लाकर आइंस्टीन और न्यूटन बनने के लिए, समझे? ना कि यहाँ पर तेंदुलकर और गांगुली बनने के लिए। ये स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है जो तुम बेवजह का खेल खेल रहे हो। दिस इज रैंकर कॉलेज। I want only ranks. This is number one college. Always I want to be number one college in this state. Understand?
हाँ रोको रोको, यही रोक दो। आजा बेटा आओ आजा। सर चैन सर रख लो तुम। एक बार इस कॉलेज में एडमिशन हो गया ना तो पीजी करके बाहर आना। यहीं रुको बेटा। सर न्यू जॉइनिंग है इस काउंटर पे। सर सर एप्लीकेशन ये लीजिए। ओके थैंक यू। सर सुनिए जी ये एप्लीकेशन जरा। एप्लीकेशन भरना है? हाँ। यहाँ स्टूडेंट का नाम और यहाँ साइन करके दे दीजिए। ठीक है थैंक यू सर। हाँ 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 सर ये लीजिए एप्लीकेशन। सब हो गया बेटी। एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया मैंने। वो तुम्हें क्लास दिखा देंगे ठीक है ना। मैं अब जाऊं? डरने की जरूरत नहीं है, चलता हूं बेटा। ओके पापा। पापा हाँ क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? पापा फिर कब आओगे? जब बुलाओगी तब आ जाऊंगा मैं। रात में राजमंडली से बस में बैठ गया तो सुबह तक हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। हाँ पर कल उतरते ही फोन करके मुझे बुला मत लेना। मुझे कोई परेशानी नहीं है पर तेरी माँ शांत नहीं रहेगी, हम दोनों को थप्पड़ लगाएगी। समझ गई? ठीक है ना, अब मैं चलूं? रोना मत। बाय बाय स्माइल। एडमिशन फॉर्म दीजिए और हॉस्टल का भी दो और दीजिए ना। ये ले पेन। हाँ ये है ना। मेरा भी फिलअप कर देना यार। तो तू क्या करेगा? अरे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है यार। कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, चुप रह। अरे तू फिलअप कर दे यार। बस करो तुम दोनों, मुझे दो मैं फिल कर दूंगा। अरे रे, रे, प्लीज यार मेरा फिलअप कर देना। अच्छा, पहले मेरा कर दे। अपना फॉर्म पहले फिलअप करा रहा है, देख लूंगा तुझे। नहीं तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 जून 1986। नहीं आज की डेट नहीं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ। हाँ सेम डे है, आज मेरा बर्थडे है यार। एज 16? नहीं यार 17 है। hey, 16 है। अरे बोला ना 17 16 लिखे यार। hey, शोर क्यों मचा रहे हो? अरे यार क्यों शोर कर रहा है यार? ये बोल रहा है hey, मेरा पेन कहाँ गया? पेन अरे पेन पेन कहाँ चला गया? hey, वहां देख। It's my pen. ये मेरा पेन है। चलो चलते हैं। क्या हुआ? न्यू एडमिशन हो? हाँ ये है तुम्हारा बेड। थैंक यू। हाय मेरा नाम हर्षिता है। हाय सरिता। यह है गीता। हाय हाय। और यह है रोहिणी। हाय हाय। कहाँ से हो?
राजमंड्री से हूँ। ये हैदराबाद लोकल से है, मैं गुंटूर की हूँ और ये कर्नूल की। ओके। गांव से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी हॉस्टल में मिले यही बहुत है। बस तुमसे एक साल पहले ही मैं यहाँ आ गई थी, पर तुम्हें एक बात बतानी है। ए, क्या बात बतानी है तुम्हें इसे? मैं कौन हूँ तुम्हें पता ही होगा ना, मेरा नाम देविका है, हॉस्टल वार्डन हूँ मैं। रूल्स की बहुत पक्की हूँ, यहाँ के सीनियर्स ये बात अच्छे से जानते हैं, और तुम जूनियर्स ये बात अच्छे से समझ लेना। अगर मेरी नजरों में धूल झोंकने की कोशिश की या अगर मुझे बताए बिना यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी मौत पक्की। खासकर बॉयज से दूर रहना, आसपास में हॉस्टल्स ही हैं। पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के गेट की तरह हमारे और उनके बीच में एक दीवार है, बी केयरफुल। हाँ हर्षिता। हेलो पापा। कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, यहाँ का हॉस्टल का खाना बहुत ही बेकार है। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ से बात कराता हूँ, रुको। हेलो पापा। बोलो बेटी। पापा आप कब आओगे? मुझे तो यहाँ नर्क जैसा लग रहा है। तुम्हें देखे बिना मैं भी नहीं रह पा रहा हूँ, दो दिन में आ जाऊँ मैं? कल भी आपने यही बोला था, मुझे ये हॉस्टल पसंद नहीं, आप कहो तो मैं गांव में पढ़ लूंगी। अच्छा ठीक है। ए, सुपर यार, वार्डन ने देख लिया तो हमारी खाल उजड़ देगा। पतंग उड़ाना कोई गुनाह है क्या? बस मजे के लिए उड़ा रहे हैं। अरे यार संडे है, क्यों डर रहा है इतना? अरे ढील दे ढील दे ढील दे यार ढील दे। अरे जल्दी ढील दे, इसे पकड़ इसे पकड़। अरे से अच्छा शिट। अरे रुक रुक पकड़ो उसे, वो जा रही। अरे यार वो गर्ल्स हॉस्टल में चली गई। हे पतंग 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 कहाँ है? अरे पकड़ो ना वो, देखो पतंग। हे पकड़ो पतंग को। ये हमारी है, मेरी तरफ मेरी। अरे सुनना जरा, देना इसे पकड़ दो। अरे अबे ठीक कर रहा हूँ बे। ये मेरे कपड़े भी इस्तरी कर देना यार। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? पूरी जिंदगी तुझे दूसरों पे निर्भर रहना है क्या? अपना काम खुद से नहीं कर सकता है? अरे भाई तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हम सब दोस्त एक ही तो हैं, चाहिए तो पैसे दे दूंगा यार। अरे मेरे उधार के पैसे दे तो जरा। यार अभी तो वो मेरे पास नहीं है। अबे दे यार, तू करेगा इस्त्री। अरे बाप रे, ये लो। ये ले पकड़, अब तो इस्त्री कर। अबे तेरी तो। राम सुनना, सुबह सुबह मैंने माँ को फोन किया था, गांव में सब लोग अच्छे हैं, पर वो पूछ रही थी तुम लोग घर कब आओगे। कॉलेज अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तुझे इतनी जल्दी घर भी जाना है? घर जाने में गलत क्या है? हाँ। hey, किस गांव से हो? करीमनगर। और तू? तीनों एक ही गांव के हैं। अच्छा, तीनों को साथ में रहना था इसीलिए साथ में एडमिशन लिया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? सॉरी सर। चलो जाओ यहाँ से। आउट ऐसे। नालायक कहीं के। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो मैं ऊपर पढ़ रहे थे सर। सब के सब नालायक हैं। हाँ हर्षिता। हाँ पापा। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। पापा यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप एक बार फिर सोच लीजिए। अब मैं क्या सोचूं? सोचना तो तुम्हें है ना। वो फर्स्ट दिन कोई फ्रेंड्स नहीं थे ना, इसलिए ऐसा लगा। क्या है? हेलो माँ, आने के लिए बार बार फोन क्यों कर रही हो? हॉस्टल में मन नहीं लग रहा क्या? बाकी लोग भी तो रहते हैं ना हॉस्टल में। यहाँ पर अगर आ गई ना तो तुम्हारी पढ़ाई तो हो चुकी। मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे और तुम्हारे पापा का रोज का नाटक है। देखो अगर तुम घर आ गई ना तो चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। अरे छोटी बच्ची की शादी कैसे कराओगी? क्यों, आपकी करवा दूं क्या? मैं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दूंगी आपको। ए हर्षिता ठीक से पढ़ाई कर। माँ मैं नहीं आऊंगी, शादी करवाएंगी। ए कट कर दिया, तुम्हारी वजह से वो बिगड़ती जा रही है। खाओ इडली। Good morning, sir. Very good morning, students. Please sit down. Thank you, sir. Today we are going to discuss about the topic of the development and the structure of embryo sac. Note down this. Hey, pen dena yaar. Nahi yaar, mere paas ek hi pen hai. Kyun? Ek aur lata to mar jata kya? Tujhe kya matlab hai, ha? Hey, sir, dekh rahe hai. The flavor is reproductive of angiosperm. अरे एक यार हाँ तो आज हमारे हॉस्टल में अंडा करी बनेगा यार। तुझे कैसे पता? सुबह मैंने अंडे उबालते हुए देख लिया था यार। सर देख रहे हैं बहुत। अरे तू चुप कर यार। जब देखो चलता रहता है। Get up. तुझे बोल रहे हैं। Get up. तीनों खड़े हो जाओ। क्या बात कर रहे थे तुम तीनों? ये कह रहा था सर कि आज हमारे हॉस्टल में अंडा करी बनने वाला है। तीनों यहाँ पर आओ। कम हियर। सब तेरी वजह से हुआ है। जो पढ़ा रहा हूँ वो सुनने के बजाय कौन सी करी कौन सा राइस यही सब सोचने के लिए यहाँ आते हो? आज से तुम तीनों एक सेक्शन में नहीं बैठोगे, तीनों अलग अलग बैठोगे। तेरा ए सेक्शन, तेरा बी सेक्शन, तेरा सी सेक्शन। चलो निकलो जाओ। ओके सर। बाय। ए तुम चुप। ए कहाँ जा रहा है? बाय सर। कौन सा सेक्शन है? उन दोनों के ए बी सेक्शन और मुझे सी सेक्शन में जाने के लिए आपने ही बोला था। ये कौन सा सेक्शन है? सी सेक्शन सर। तेरा कौन सा सेक्शन है? आप ही ने तो कहा था सी सेक्शन में चले जाओ। यही है सी सेक्शन, यही है। जा जाके बैठ। सेक्शन का पता नहीं और आ गए हैं पढ़ने के लिए। साइलेंस। H2O contains two hydrogen atoms and one oxygen atoms. The May hydrogen in, bond madam? Is an attractive interaction between... Yeah, come in. Thank you, madam. Why are you late? Madam... Go and sit there. Okay, so where were we? I was saying H2O contains two hydrogen atoms and one oxygen atoms. आप सबने नोट तो कर लिया ना? यस मैम। एंड यू? नो मैम। कोई अपने नोट्स इसे दे दो प्लीज।
हर्षिता तुम दे दो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके मैम थैंक यू मैम। चलो चलते हैं। चलो मुझे शाम को ठीक है क्लास में क्लास में ठीक है ठीक है बहुत ठीक है रुक नहीं मैं एक बोर हो गया मैं। अरे आपको जाना है ना ये ले जाइए मैं कल लिख लूंगा। कोई बात नहीं मैं वेट कर लूंगी। चलो ना हॉस्टल के लिए लेट हो जाएंगे। बस हो गया एक मिनट हो। कोई बात नहीं मैं कल ले लूंगी। ठीक है। क्या भाई इतना सीरियस होकर क्या लिख रहा है? पास होकर ही मानेगा क्या? अबे ऐसा कुछ नहीं है यार, कल सुबह उस लड़की को ये नोटबुक वापस करनी है ना। इसी लड़की को? लड़की कौन है यार? दिखा। अबे हे अरे क्या कर रहा है? हे हर्षिता भाई लड़की ने तुम्हें नोटबुक दी है इसका मतलब मामला सेट है। हमें तो किसी लड़के ने नोटबुक नहीं दी और तुझे लड़की ने दे दी। उसने बस नोटबुक दी है मुझे। उसने तुझे दी तो है ना यार, हमें तो वो भी कोई नहीं देता। अरे यार हम लोग एक ही क्लास में नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। कल से किसी तरह तेरी क्लास में आ जाएंगे। क्या भाई आज तो बहुत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं यार। कहीं किसी ने तुम्हें आई लव यू तो नहीं कह दिया? अरे इनको ए, क्यों मुझे कोई नहीं कह सकती क्या? हे ये बस बातों का ही किंग है क्या भाई? लड़कियों से नजदीकियां हाँ है तो मेरी है लेकिन अचानक कोई बीच में आ गया यार। छे इसी बात का दुख है। तुम्हारा सिलेक्शन सुपर है यार। अच्छा उसने तुमसे कब आई लव यू कहा? अब तक कहा नहीं यार, कहलवाना पड़ेगा। अब से यही तो काम है हमारा। कम ऑन चल के बताते हैं। लेट्स गो। हाँ, चलो, चलो। ये है समझा? तू भी ना वो लड़की तुझे देख रही है यार। नोटबुक कहाँ है? यार उस लड़की की नोटबुक मैंने कहाँ रखी? कौन सी जिससे रात में लिख रहा था वो वाली? हाँ यार चार दिन तुझे परेशान करने के लिए नोटबुक हॉस्टल में छुपा दी थी यार। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कल लाके दे दूंगा प्लीज। लाना भूल गया, कल पक्का दे दूंगा। ए, जरा देख के बात कर। वो मेरी है, मेरी लवर। हमारी क्लास में कम से कम 10 लड़कियां हैं लेकिन एक भी ऐसी हो तो काफी है। गुड मॉर्निंग सिट डाउन सिट डाउन। थैंक यू मैम। हे यू तुम लोग सेकंड ईयर के हो ना? यस मैम। एमसेट की तैयारी कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा डिटेल्स में समझने आए हैं। ओके गुड सिट डाउन। थैंक यू मैम। ओके स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास आई वुड लाइक टू चेक योर नोट्स। आप सब लोग प्रिपेयर्ड तो हो ना? प्लीज यस मैम। पक्का लाके दे दूंगा प्लीज। हे यू गेट अप। क्या चल रहा है? फर्स्ट गेट आउट ऑफ माई क्लास। कम ऑन स्टूडेंट्स अपने अपने नोट्स यहाँ टेबल पर रख दो। प्लीज सॉरी अब ऐसी गलती नहीं होगी, कल मैं पक्का ले आऊंगा। मुझे अभी चाहिए। हर्षिता व्हाट इज गोइंग ऑन? मैडम एक्चुअली फर्स्ट गेट आउट ऑफ माय क्लास। सॉरी हर्षिता, कान पकड़ के सॉरी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, कल मैं पक्का लेके आऊंगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज माफ कर दो। सॉरी सॉरी हर्षिता। आ, आ,
राम, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तेरे और हर्षिता के बीच में क्या है? क्या होगा भाई, उसने मुझे अपनी नोटबुक दी थी और मैं गलती से उसे लाना भूल गया था। वैसे ऑलरेडी मैंने उसे अभी दे दी है। अच्छा, मैं मान लूं, असल में क्या बात है वो बता। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई, बस इतनी सी ही बात है। अब वो लड़की मुझसे बात क्यों करेगी? हे राम। हाय। हर्षिता, वो तुम्हारी नोटबुक मैं कल ला के दे दूंगा, प्लीज। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। चाय पियोगे क्या? ओके। छे, क्या जिंदगी है मेरी। जिंदगी एक्सप्लोर करने की बजाय हम यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यार। क्या यार ऐसे फूलेगा क्या यार? अरे भाई ये सब हमें जरूरी है क्या? तू एक काम कर, तू सीधा बस स्टैंड जा और वहाँ से अपने गांव की बस पकड़ ले। पकड़ने के बाद करीमनगर उतर जाना। हाँ उतरने के बाद वो हमारा चाय वाला बंदा है ना। हाँ वो हमारे चाय की टपरी वाला बंदा ना। हाँ वही, उसके पास जाना। उसका बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है। उससे जाके बोलना कि मैं तुम्हें असिस्ट करना चाहता हूँ, समझा ना? समझ गया? राम, ये नहीं हो रहा। लाओ दो। देख। ओके। ये हमें कंपटीशन दे रहा है क्या? अरे उसकी क्या औकात जो आपसे कंपटीशन लेगा। आप सीनियर हैं, आप उससे बहुत आगे हैं। ए विंदा, तुम्हें और तुम्हारे बैच को सर बुला रहे हैं स्टाफ रूम में। कौन सर? प्रिंसिपल क्या? अरे प्रिंसिपल नहीं भाई, केमिस्ट्री लेक्चरर शिवाजी सर। किस लिए? अरे क्यों बुला रहे हैं मुझे क्या पता, सारा काम मुझे ही करने के लिए कहते हैं। काम हो गया यार। ए, चल कर देखते हैं। केमिकल को कभी ऊपर कभी नीचे। ए, चल केमिस्ट्री के लेक्चरर से मिलते हैं। ए, जब तक हम केमिस्ट्री के मास्टर से मिलके आएंगे ना तब तक इनकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी यार। हाँ यार। चल आ जा। हाँ यार सही कहा तूने। हाँ तू बिल्कुल अच्छा कर रहा है। सही कह रहा है तू। तेरी बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन ए चल साइड में चल के बात करते हैं। ये कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सर हम तो आप ही के पास आ रहे थे। हाँ, बोलिए सर क्या बात है? ये यू ऑल्सो कम हियर। चलो अब कहानी मुझे मत सिखाओ, जाकर अपने हिंदी टीचर को सुनाओ, वो सुनेंगे। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए होता है। हाँ क्यों तू हाथ नहीं बांधेगा क्या? आजकल क्लास में आना बंद कर दिया है ना? आता तो हूँ सर, लेकिन हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में जा रहे हैं। वही तो, तुम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में चक्कर लगा रहे हो, यही तो मेरा फ्रस्ट्रेशन है। अनुश्री मैडम की क्लास में क्यों जा रहे हो? वो क्या मुझसे अच्छा सिखाती है तुम्हें? ऐसा नहीं है सर, वो एमसेट का एग्जाम आ रहा है ना, तो डिटेल्स में समझने के लिए जाते हैं सर। अच्छा, हाँ तो तुम लोग क्या सीख रहे हो उनसे? वही सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अरे जब देखो तुम लोग हमारे कॉलेज के कंपाउंड में घूमते रहते हो, तुम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखोगे और ये बात मैं मान जाऊं? चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर देयर एंड व्हाट आर दे? इतना सिंपल क्वेश्चन में नहीं आता तुम्हें? सर मुझे पता है सर, दोज आर थ्री टाइप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड पोलराइट। वेरी गुड। इस बार मैं और एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज हाउ मेनी कॉल्स एंड बाउंड्स? 5 सर। 12 सर। ए तेरा गांव कौन सा है? इज्जत नगर सर। मैंने तुझसे पूछा ना, तो मेरी थोड़ी इज्जत तो रख ले। 17 सर। अच्छा बेटे, तुम्हें पता है क्या?
पता है सर? 16 सर। वेरी गुड। राम, क्लास में आने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मैडम, ये सेकंड ईयर का नहीं है क्या? नहीं सर, ये लड़का फर्स्ट ईयर का है। मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे बच्चों को तो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, इसलिए मैं इसे एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, और वो भी आपके हाथों से। श्योर सर। ये लो। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। इट्स ओके। अब तुम क्या देख रहे हो ऑर्गेनिक फेलोज? चलो बाहर निकलो। देख कितना अच्छा है ना ये। तू ग्रेट है यार, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कितना अच्छा फोन है यार। यार मुझे दे। ए, रुकना बे। अरे मुझे दे ना। अरे इससे अपने घर पे फोन कर सकते हैं, किसी के भी घर पे कर सकते हैं। इसमें सिम है क्या? बस डलवाना है तो अच्छी कंपनी का डलवाना। हे जल्दी से सिम डलवाना जिससे पूरा हॉस्टल बात कर सके। हे सिर्फ हमारे पास नहीं, दूसरे के पास भी फोन होना चाहिए। ये बात भी सही है, अगर सर ने हमें दो फोन दिए होते तो अच्छा होता, एक हमारे गाँव में होता और एक हमारे पास होता। हाँ देखो फोन कितना बढ़िया है। हाँ, देखो बहुत अच्छा। हाँ, है। इसमें ऑप्शंस भी बहुत हैं। अच्छा, हाँ, दिखा दो। ये देखो। हाँ। ये दबाओगे तो ये ऑन होगा। अच्छा, हाँ। हटो, हट जाओ। हाँ? हेलो, क्या है ये? हर्षिता, ये फोन सर ने मुझे गिफ्ट दिया है। क्या फोन? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। वाह कितना बढ़िया है, रोज अपने घर फोन करूंगी इससे। तुम्हारे घर में फोन है क्या? हाँ है। इसमें सिम नहीं है, कैसे करोगी? सिम नहीं है। ठीक है मुझे दो, मुझे हॉस्टल जाना। नहीं दूंगी, पहले मेरा नोटबुक दे दो, उसके बाद आकर लेना। अरे ये नोटबुक की क्या कहानी है भाई? अरे ये भाई वो तो फोन ले गई। हाय हाय, ये लो तुम्हारी नोटबुक ले आया हूँ, लो रख लो। बहुत दिनों के बाद मिली है। कोई बात नहीं, इस बुक की वजह से हमारे बीच फ्रेंडशिप हो गई। सच कह रही हो, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। ये क्या आज क्लास में कोई नहीं? हाँ। कोई आया क्यों नहीं? अभी 8 बज रहे हैं ना। अच्छा ये बात है, हम क्लास में पहले ही आ गए। वन सेकेंड। रहने दो, इसे तुम अपने ही पास रखो। ये जुबान की बात है, नोटबुक दी ना, अब ये लो। क्या रे, इतनी जल्दी कैसे क्लास में आ गया? कुछ पर्सनल है क्या? ए, वो फोन इधर दे। अबे देना। ए बिंदा, फोन दे दो। क्यों दे दूं फोन? ठीक है दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम क्या दोगी? छी। हे, क्या बात कर रहे हो, मैनर्स नहीं है तुम्हें? नहीं है तो सिखाएगा क्या? चलो हर्षिता। ए, बात कर रहा हूँ ना, बीच में कहाँ जा रही है? हाथ छोड़ो। उसने पकड़ा तो बुरा नहीं लगा, तो मेरे पकड़ने पे बुरा क्यों लग रहा है? पहले उसको छोड़ने के लिए बोल, फिर मैं भी छोड़ दूंगा। हे क्या बे? हे अरे भाई मार इसे। चलो हर्षिता, तेरी तो छोड़ दो, क्या कर रहे हो? बस करो बिंदा, छोड़ दो उसे, छोड़। अरे छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो बिंदा? छोड़ो उसे, मत मारो उसे, रुक जाओ, रुक जाओ बिंदा, बिंदा क्या कर रहे हो? बिंदा क्या कर रहे हो? बिंदा रुको। मत मारो, छोड़ो, जान छोड़ दो, जाने दो। बिंदा क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। बिंदा छोड़ दो, मत लड़ाई करो, छोड़ो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? राम छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सर आ गए। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे?
आठ बजे तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? मुझे जवाब चाहिए। जब क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है तो 9:10, 9:15 और तुम में से कई तो ऐसे हैं जो 9:30 बजे क्लास आते हैं, तो ये बताओ कि तुम वहां 8 बजे क्लास में क्या कर रहे थे? तुम वहां झगड़ा क्यों कर रहे थे? हाँ आइए देविका मैडम, आइए। सर क्या है ये? क्या आजकल आप स्टूडेंट्स को 8 बजे ही छोड़ देती हैं? वो हाँ क्यों भाई, ये सब क्या हो रहा है? ऐसी बात नहीं है सर। तो कैसी बात है बताओ? स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात की तुम्हें चिंता नहीं है? बैठकर फोन चलाते रहते हो क्या? 9 क्या है? हर्षिता सर। और गांव? राजमंत्री। और तेरा? करीम नगर। हाँ हाँ करीम नगर सर। करीम नगर राजमंत्री। क्यों रे बिंदा? सर बात क्या थी? साइलेंस इज नॉट द आंसर। इतने सालों से कॉलेज की रेपुटेशन को बचाते आ रहा हूं और तुम लोग पढ़ाई करने के बजाय लड़ाई झगड़े कर रहे हो, क्यों? चर्बी ज्यादा हो गई है क्या? मेरे बारे में पता है ना? अभी के अभी टीसी देकर भिजवा दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कंडक्ट सर्टिफिकेट में बैड लिख दूंगा, फिनिश, जिंदगी खत्म। लिख दूं क्या? सर हमें कुछ नहीं पता सर, हम लोग वहां से जा रहे थे तो राम और हर्षिता पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे और सर वहां ओके ओके आई अंडरस्टैंड। क्या कर रहे थे तुम लोग वहां? सर मैंने हर्षिता की नोटबुक ली थी, वो देने के लिए गया था। हाँ सर। क्लास के टाइम में भी दे सकते थे ना, सुबह 8 बजे देना ही जरूरी था क्या? कोई मुहूर्त निकाला था? ये तो लड़का है, तुम्हें क्या हो गया था? सबके आने से पहले जब क्लास में कोई भी नहीं था तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? तुम लोग क्या बात कर रहे थे? आ? मतलब आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। जस्ट फ्रेंड्स है? यस सर। आई कांट बिलीव दैट। तुम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है सर। कुछ नहीं है सर। मैं इसे नहीं मानता। कुछ नहीं है सर। कुछ तो है। सच में कुछ नहीं है सर। Have something. सर सच में कुछ नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ ना कुछ है। सर, कुछ नहीं है सर। हाँ है। Yes, है। We have something. हाँ, हमारे बीच कुछ है। मैं राम से प्यार करती हूँ। राम से शादी करूंगी और राम के साथ ही मेरे बच्चे होंगे। What? क्या कर लेंगे सर आप? ज्यादा से ज्यादा टीसी दे देंगे? अब इन सब चीजों के लिए मैं तैयार हूँ। I'm ready for anything and everything. हर्षिता सच में तो ग्रेट है यार, तूने उस लड़के को आई लव यू नहीं बोला और सीधे प्रिंसिपल को बोल दिया। वैसे भी प्रिंसिपल तुझे छोड़ेगा नहीं, तू कहीं भी रह तुझ पर नजर जमाए रखेगा। ए, उसने क्या गलत किया है? अगर कोई इतना जोर देके बोलेगा तो जवाब तो देना होगा। हर्षिता सच में तुम उस लड़के से प्यार करती हो? बात ऐसी नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है। प्रिंसिपल हमसे जैसे बात कर रहा था देखकर मेरा खून खौल गया। हर्षिता तुम्हारे पापा आए हैं। अरे बाप रे, पापा आए हैं क्या? कहीं प्रिंसिपल ने कॉल तो नहीं कर दिया? वैसे भी तूने कोई गलती तो की नहीं है, डर क्यों रही है तू? चल जा और हिम्मत से बात कर क्या, जा। जाऊं क्या? हाँ हाँ जा। अभी कुछ दिन पहले ही बगल के कॉलेज में लफड़ा हो गया था सर। ये लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हैं या क्या सोचकर कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा सर। बच्चों का जनरेशन बहुत बदल गया है मैडम। आजकल तो ये लोग क्लास में भी नहीं आते हैं सर। ये देखिए आ गई आपकी बेटी। हाँ कैसी हो? अच्छी हो पापा।
ओके मैडम, और क्या हाल चाल है? चलो चलते हैं सर। हाँ चलते हैं। हाँ चलो। ओके मैडम। ओके सर। ठीक है सर। बाय। इतनी दुबली कैसे हो गई? टाइम पे तो खाती हूँ पापा, अच्छी भली तो पता है ना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत नाराज है। अच्छी तरह से खाना खाना चाहिए ना। अरे सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ जी। अरे मैं ही हूँ सर, पहचाना नहीं? पहले दिन मेरी बेटी का एप्लीकेशन आपने ही तो भरा था ना। मुझे याद आ गया। सब ठीक है ना? इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा टाइम हो रहा है ना, चलो चलते हैं, बहुत सारे काम है ना, चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आजकल की लड़कियाँ मेरी समझ में नहीं आती है। आइए पापा यहाँ बैठते हैं। हाँ यहाँ पर। पेड़ बढ़िया है। क्या हुआ पापा, आप अचानक आ गए? ये क्या बेटा, तुम्हें पता नहीं है? कल से तुम्हारी छुट्टियां है ना, कॉलेज वालों ने फोन किया था। अच्छा ऐसा है। हाँ ठीक है पापा, आप यहाँ बैठिए, मैं हॉस्टल से जाकर परमिशन लेकर आती हूँ, सामान भी लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ। सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। प्रिंसिपल क्यों, हम तो गाँव जा रहे हैं। 10 मिनट की तो बात है, चलकर मिल लेते हैं। ठीक है पापा आप जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ सामान। आप दोनों कोई बुला रहे हैं? ओ। चलो। प्रिंसिपल सर अंदर मीटिंग में हैं, आप लोग यहाँ बैठिए। ठीक है। मैं अंदर देख कर आता हूँ, आप बैठिए। प्रिंसिपल सर को अभी मीटिंग में 1 घंटा और लगेगा, अगर वेट कर सकते हैं तो बैठिए, नहीं तो जाइए, बाद में वो फोन करेंगे। हम चले जाते हैं। ओके पापा चलो। अरे भाई लगता है वो लड़की नहीं आएगी यार, चलो चलते हैं, बस का टाइम हो रहा है। चलो यार, मुझे उस लड़की से बात करनी है। यार अगर उस लड़की को तुम पसंद हो तो ये बात तुम्हें बतानी चाहिए थी ना, तो फिर उसने प्रिंसिपल को क्यों बताई? शायद प्रिंसिपल पसंद होगा। अबे बावकूफ, उसने मुझसे नहीं कहा है, उसने प्रिंसिपल के सामने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ। अरे यार ये तीन आ रही है, तेरी बंदी कहाँ है? उसके बारे में ऐसा मत बोल। क्या यार, 4 दिन का प्यार और दोस्त पे मार अच्छा है यार। गीता वो तो कल ही चली गई। कल? कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे। हाँ राम, उसके पिताजी आए थे, उसे लेकर चले गए। चल यार बहुत देख लिया, जो होना था हो गया, प्यार करेगा तू। ए उठा पकड़। ये क्या, हॉस्टल में कपड़े नहीं धोते हैं क्या? छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी पता है ना, वो लड़के करते हैं, लड़कियाँ नहीं। लड़का हो या लड़की, इस घर में तो यही है ना। आपने सही कहा पापा, बचपन से ही लाड़ प्यार से इसे बिगाड़ दिया है अपने। पापा ने क्या किया? जो किया है इन्हीं ने किया है। तुम्हारे साथ खेलने कूदने के चक्कर में इन्होंने अपनी नौकरी ही गवा दी। अब इन्हें पता नहीं है क्या करना है और रियल एस्टेट वाले पीछे पड़े हैं। छे बाप रे, कहीं प्रिंसिपल तो नहीं? हेलो। हाँ हम पहुंच गए, बस आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हाँ बच गए। कौन था? सीनू बाबू, करोड़पति का बेटा। हाँ। उनकी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं, बताया था ना। सब लोग पहुंच गए, हम लोग अभी यहीं हैं। मैं तो तैयार ही। चलो जल्दी। हाँ। करो। हर्षी हम 1 घंटे में लौट के आएंगे। हाँ। दरवाजा बंद कर लो। बाय बाय। टू फोर फाइव थ्री सिक्स। Mm-hmm.
ये करीम नगर में फोन तो लगता ही नहीं है। हेलो, विनोद जी हैं क्या आप? कौन? मैं हैदराबाद से न्यूटन कॉलेज का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल? हेलो, हेलो, आप कौन हो? कौन है? किससे बात करनी है? राजमंदरी फोन लगाया था तो ये चेन्नई कैसे कनेक्ट हो गया? ए, इस फोन से नानी को फोन लगा सकते हैं क्या? नानी के पास फोन नहीं है ना। तो फिर पापा को करें क्या? बहुत पैसे लगेंगे, वो दुबई में है ना, इतना बैलेंस नहीं है इसमें। भैया, भैया फोन आ रहा है। कौन है? कौन है? हेलो, 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 कौन बोल रहा है? हेलो, मैं हर्षिता बोल रही हूँ। कौन है बेटा? अच्छा, आप बोल रही? अरे कौन है भैया? खा कर जा भैया, बाद में आके खाता हूँ। अरे कौन है फोन पर? फ्रेंड है माँ। हेलो हर्षिता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। हाँ, और बताओ। क्या बताऊँ? हेलो, 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 हेलो। अरे राम, नया फोन है क्या? यहाँ सिग्नल नहीं मिलता है, अगर अर्जेंट है तो मंदिर के पास जाकर बात कर लो। क्या है? हेलो। ए राम, इधर आ, कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं भैया, मंदिर के पास जा रहा हूँ। मंदिर के पास? क्या है, फोन दे मुझे। ला भैया, इधर। कहाँ से लेकर आए? अरे वाह, क्या बात है, फोन तो मस्त है। भैया फोन दे दीजिए, मुझे अर्जेंट किसी से बात करनी है। तूने खरीदा या तेरे बाप ने भेजा है? भैया फोन दे। रुक जा भाई। हेलो, ये तो लड़की है भाई। अरे क्या कर रहा है यार? हेलो, 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 कैसी हो? अच्छी हो ना? अरे तू ना, अरे रुक ना। हेलो राम, तुम ही हो? हेलो भैया। हेलो, हेलो, बात करने दे ना, चल। फोन पर कौन है? तेरी लवर या सिस्टर? अरे भाई मुझे भी बात करने दे। हेलो, उलट। हेलो, आजा 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 फोन ले ले। अरे आजा। अरे भाई मुझे भी दो ना बात करने के लिए, खाली अकेले अकेले बात करने के लिए। ये ले, आजा आजा आजा। जा। फोन दे मेरा। फोन दे, फोन दे, मेरा फोन दे।
कौन थे? फोन दे, कहाँ है मेरा फोन? फोन दे, फोन दे, फोन दे, जल्दी फोन दे। हेलो, फोन दे। हेलो, कमीने। संभल कर जाना बेटा। ठीक है पापा। उतरते ही फोन करना। कॉलेज पहुंचते ही फोन कर दूंगी। कुछ दिनों पहले प्रिंसिपल का फोन आया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बताया। मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम भी मत ध्यान देना। ओके, संभल कर जाना। मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है पापा। बाय बाय। ध्यान रखना। बाय पापा। ए हर्षिता। क्या हुआ, तुम अब तक कॉलेज क्यों नहीं गई? वो मैं अभी अभी गांव से आई हूँ, बाद में चली जाऊंगी। तुम अकेली गांव से आई हो क्या? सभी आज मॉर्निंग में ही आए हैं। वो लोग नहीं थके हैं क्या? सब तुम्हारी तरह सोए हुए हैं। चली जाऊंगी मैम, जस्ट रिलैक्स में चली जाऊंगी। क्या कह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा? अभी चलो, प्रिंसिपल को पता चला तो तुम्हें घर भेज देंगे और तुम्हारी तरफदारी करने की मेरी भी हिम्मत नहीं है। चलो चलो। मैं कम इन मैम। Hey. Oh, तुम? Huh? कौन सा सेक्शन है? ए सेक्शन मैम। सेक्शन बदल चुका है, गो टू सी सेक्शन। सी सेक्शन पर हॉलीडे से तो पहले मैं यहीं बैठती थी मैम। बैठती होगी, लेकिन ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है। पर सारे नोट्स चेंज हो जाएंगे मैम। डोंट टॉक, जाओ यहाँ से। तुम लोग का क्या कहना है? अरे तुझे एक बात बताता हूँ भाई, उस लड़की का प्रिंसिपल को इतना कुछ बोलने के बाद तुम दोनों केवल फ्रेंड्स हो, ये कोई नहीं मानेगा। इसलिए हम अपना अपना काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ यार, इस प्यार वार से दूर रहते हैं। लड़की है इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो चमड़ी उधेड़ देता। इस मीटिंग का आयोजन इसलिए किया गया है कि इतने सालों से हमारा ये कॉलेज इस स्थान पर है, यानी नंबर वन कॉलेज है। उसकी वजह है ट्रस्ट, माँ बाप का विश्वास। और उसी विश्वास की वजह से लोग दूर दूर से आकर हमारे कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। यही हमारे कॉलेज का स्ट्रेंथ है। इसी वजह से दिन ब दिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही है। तो इसीलिए हमारे कॉलेज में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। लेकिन आजकल हमारे कॉलेज में डिसिप्लिन मुझे लगता है थोड़ा डाउन हो रहा है। आपकी क्या राय है शास्त्री जी? ठीक है सर। तो आप सब लोग इस पर ध्यान देंगे? यस सर। इसीलिए आपके लिए, सॉरी, हम सभी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए, टोटल डेवलपमेंट डिसिप्लिन के लिए आज से मैं कुछ रूल्स बदल रहा हूं। मेहरबानी करके, शायद वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं विनती करता हूं कि आप सभी लोग इसे फॉलो करना और दूसरों से भी फॉलो करवाना। क्या कहते हो? यस सर। जी सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। नहीं नहीं, कल तो मुझे बहुत मजा आया। शर्मा सर की क्लास थी ना, बहुत अच्छा पढ़ाया। हां तुझे अच्छा लगा ना? बताओ। नहीं नहीं, कल तो मुझे बहुत मजा आया। शर्मा सर की क्लास थी ना, बहुत अच्छा पढ़ाया। कसम से करो, क्या मजा आया। तुझे अच्छा लगा ना? हे बबलू,
क्या है ये? अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, पर मैटर बहुत सीरियस है, तुम लोग खुद ही पढ़ लो। सीरियस? हाँ। बॉयज एंड गर्ल्स कुड नॉट टॉक एट कॉलेज। मर गए। हटो हटो रे, हटो रे। क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं यार, कल से लड़के और लड़कियां एक साथ घूम भी नहीं सकते और बात भी नहीं कर सकते। साथ में घूमेंगे और बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का पारा हाई हो जाएगा। सोचा था 10th पास करने के बाद कॉलेज जाके कॉलर खड़ा करके घूमेंगे, पर यहाँ तो हमारी जेल जैसी जिंदगी हो गई है। अरे हम कॉलेज के लड़कों की कोई इज्जत ही नहीं है यार। भाई आपने सही कहा, कोई इज्जत नहीं है। असल में कॉलेज के बारे में कुछ और ही सोचा था। हमारे गांव में शिवा कॉलेज ऐसा होता है वैसा होता है ये बोलता था, और यहाँ एंजॉय तो कुछ होता ही नहीं है। अरे लड़कियों से बात नहीं कर सकते क्या? छे, अरे ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? अरे प्रिंसिपल ने ये सब तुम दोनों की वजह से ही तो किया है, पूरा कॉलेज परेशान हो गया है। तो इसमें मैं क्या करूं यार? ए, कुछ नहीं यार, अगर कॉलेज में लोगों की सोच बदलनी है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम दोनों को। तुम दोनों जाके प्रिंसिपल को सॉरी बोल दो, समझ गए ना? अरे बाप रे, वो मार देंगे मुझे। सॉरी बोलने के बाद भी मार देंगे क्या? कुछ भी बोलते रहते हो भाई तुम। नहीं, उसके लिए नहीं यार, अगर मैं उस लड़की से बात करूंगा और किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी यार। भाई 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 प्लीज भाई प्लीज भाई समझा करो, ये एक काम कर दे पूरा कॉलेज तेरा एहसान बन जाएगा। जोड़ता हूं यार, प्लीज। ये नहीं सुधरने वाला। चलो चलते हैं। What's going on here? Concentrate on your studies. Hey, you go and sit there. Sir, but why? You go and sit there first. You just sit. Seedhe baitho. क्या चल रहा है? हाँ कुछ नहीं सर। आई वॉन्ट टू मीट यू। Meet me at admin office. Hey, pass karo. Hey, pass karo. ठीक है. Hey, ले. ये ले ये ले. Pass कर pass कर. ये ले. दो दो. बेटा हम जाएं क्या? हाँ, ओके अंकल। चलो। कैसे हो तुम? एग्जाम्स है ना, तो थोड़ी टेंशन हो रही है। हम बात नहीं कर पा रहे, बस इस बात की टेंशन है मुझे। मुझे भी, लेकिन
एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद घर चले जाएंगे ना? हाँ। अगर सेकंड ईयर भी खत्म हो गया तो? इस कॉलेज से ही चले जाएंगे? इस बात का दुख है मुझे। उसके लिए अभी बहुत टाइम है। हाँ, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम्हें मुझसे कुछ कहने का मन नहीं है? है लेकिन। क्या है? बोलो बोलो बोलो। नहीं, तुम पहले तुम बोलो। I love you. मैं भी बोलना चाह रहा था लेकिन पहले तुमने बोल दिया। ये तुम्हारे लिए। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कुछ भी नेगलेक्ट मत करना। हर बार की तरह हमारा कॉलेज नंबर वन की पोजीशन पर। सॉरी सर। हाँ सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर। अग्रेशन में आकर मैंने आपसे वैसे बात की, अब मुझे बुरा लग रहा है सर। दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे सर। प्लीज फॉरगिव अस सर। सर क्या हुआ यार? फीवर है भाई। तो फिर कॉलेज नहीं आएगा? नहीं आ पाऊंगा यार। मेरा कच्चा कहाँ है? मुझे क्या पता। अरे तेरे कच्चे के बगल में तो सुखाने के लिए छोड़ा था। इसीलिए तो गायब हो गया। राइट। हे, मेरा कच्चा तूने पहना है क्या? थू थू कर रहा है। ये क्या, कंबल ओढ़कर अभी तक सो रहा है? कॉलेज नहीं जाएगा क्या? फीवर है यार। फीवर? अच्छा यार, इंडिया का वनडे मैच है ना आज, तो सच में इसको बुखार आया यार, क्रिकेट फीवर। ए, वो कॉलेज नहीं आने वाला है, तू उसका अंडरवियर पहन ले। छी, तेरी तो है। हे मोटू, तूने मेरा कच्चा लिया है क्या? पागल रहने दे, तू मेरे कच्चे में फिट नहीं होगा। बगल के रूम में जाकर देखता हूँ यार। मेरा कच्चा कहाँ गया? Yes! आप छुपो मत, मैं समझ गया, बाहर से देखने से कोई मतलब नहीं है, अंदर आ जाओ। अब पता नहीं क्या करेंगे। साइलेंट हो जाओ सर। आजाओ, 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 यस, चल बैठ, आओ आओ बैठो। बैठो बैठो। आजकल क्रिकेट के दीवाने बहुत हो गए हैं भाई। कमॉन कमॉन कमॉन, प्रोसीड कमॉन। सुपर है सर। इडियट, प्रिंसिपल ने सुन लिया तो सबको दरवाजा बंद करके कूटेंगे। मुंह बंद रखो और देखो। सॉरी सर, सॉरी सर। यस यस यस। Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, 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 yes. Oh, yes. Yes. Hey, मैच खत्म नहीं हुआ है, बैठो। तेंदुलकर के आउट होने के बाद क्या देखें सर, अजीब लड़का है ये। अरे यार, अरे यार, कितना अच्छा शॉट मारा था। क्या है, जल्दी बताओ। चलो चलो चलो, अरे सर बैठे, चलो निकलो जल्दी यहाँ से। दिस इज माय पैलेस। ये इस तरह से क्यों बिखरा हुआ है? बॉयज हॉस्टल है ना, ऐसा ही होता है। तुम्हारा बेड कौन सा है? वो रहा। ओके। वैसे आज कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? फीवर। सच में ना? देखो ना।
राम राम हर्षिता हर्षिता हे हर्षिता हर्षिता हे आज क्लास अच्छी थी ना बहुत मजा आया बहुत अच्छा था हे अब वो क्या हे हर्षिता शी इज माय फ्रेंड हे ये यहाँ क्या कर रही फ्रेंड है यार तेरी तो किसी सर ने देख लिया तो हर्षिता किशोर एंड धनुष चलो टिकट लेते हैं हाँ यहाँ बैठो फिल्म अच्छी थी ना बहुत अच्छी थी एक कॉलेज आ गया बस बस यही रुक दीजिए यही डर लग रहा है ना हाँ डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा अब चलो मैं तुम्हें चलाता हूँ अरे चलाता हूँ ना मैं चलो अरे आओ तो सही तुम चलो राम अरे नहीं क्या कर रही हो तुम हाँ अरे आओ तो सही चलो चलो नहीं नहीं अरे तुम आओ ना आराम से हाँ चलो आराम से जाओ 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 जल्दी जाओ ए पकड़ो 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 अरे यार क्या कर रही हो तुम तुम्हें जाना नहीं है क्या शे राम संभाल कर अपना हाथ दो हाँ आ जाओ राम अरे क्या कर रही हो हर्षिता आ जाओ जल्दी आराम से जल्दी करो जल्दी आ जाओ आ जाओ एर्गो आ जाओ राम पकड़ो आ जाओ राम मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ छोड़ो क्या कर रहे हो तुम लोग कौन है उससे तुझे क्या ऊपर क्या कर रहा है तू बाल कूद के कहाँ जा रहा है हाँ बता तुम्हें इससे क्या हर्षिता आओ तुम जल्दी आओ राम ऊपर खींचो आ जाओ जल्दी आओ जा अभी पार करवाता हूँ अरे बाप ना चल 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, Ram!
अब अंदर कैसे जाए? इधर आ जाओ, जाओ मेरे साथ। ए, कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है देखना। अरे यार, हे हे किशोर उठना, उठ। क्या है यार? ये क्या यार? वो लेडीज हॉस्टल का गेट लॉक हो गया है यार। वैसे भी तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, अंदर आ जाओ। वैसे तू इतनी देर तक क्या कर रहा था? हॉस्टल का वार्डन चेक करने आता है, पता है ना? एक काम करो, तुम दोनों अलग अलग बेड पर चादर ओढ़ के सो जाओ। अगर हॉस्टल वार्डन आकर देख भी लेगा तो शक नहीं होगा। और वैसे भी सुबह 5 बजे गर्ल्स हॉस्टल का गेट खुल जाता है, ठीक है? तब कुछ मैनेज करके भेज देंगे, ठीक है ना? पर चादर हटाना मत। लेकिन तुम लोग? हमें कुछ नहीं होगा, हम ऊपर रहेंगे, तुम लोग संभल कर रहना। ठीक है, चले यार। कुछ नहीं होगा, अरे कैसा फालतू लड़का है ये, आधी रात को लड़की लेकर आ गया यार। कोई बात नहीं यार। ए, क्या कोई बात नहीं? अगर हॉस्टल वार्डन देख लेता तो? वो भी बात सही है यार, कल तो एग्जाम है ना। तूने पढ़ाई की है क्या? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। अभी पढ़ाई करें क्या? हाँ, अगर अभी हम पढ़ाई करेंगे तो तू कॉलेज में और मैं स्टेट में फर्स्ट आऊंगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर यार, हमें पास होना तो बस एक ही रास्ता है हमारे पास। क्वेश्चन पेपर चोरी करे क्या? राम? हाँ? तुम्हें एक बात बताऊं? क्या बात है, बताओ ना। मुझे नींद आ रही है, सो जाऊं क्या? सो जाओ। ओके, गुड नाइट। इससे तो हम पास हो जाएंगे यार। पास नहीं होंगे, फर्स्ट आएंगे। यहां पर तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं सर? हाँ, क्या है ये सर? कल वो हमारा एग्जाम है ना? हाँ, तो एग्जाम के लिए तैयारी नहीं की सर। तैयारी नहीं की मतलब? क्या क्वेश्चन पेपर चोरी करोगे? चोरी करोगे, चोरी करोगे, क्वेश्चन पेपर चोरी करोगे क्या? हाँ, इतनी हिम्मत तुम लोगों की कि मेरे केबिन में चोरी कर रहे हो? हाँ, ये कब से कर रहे हो तुम लोग? ये फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। चलो 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 तुम लोग, चलो चलो मेरे साथ। हर्षिता, हर्षिता उठो, कोई आया, कोई दरवाजे पे है। क्या करूं? इधर यहाँ, यहाँ छुप, यहाँ छुप जाओ, इसके पीछे जल्दी जल्दी जाओ, बाहर मत निकलना, अंदर जाओ।
अरे यार, अब चलो, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा? सर सर, इनका बैग बाहर फेंक दो। इनकी हिम्मत तो देखो, रात में प्रिंसिपल के केबिन में आकर क्वेश्चन पेपर चोरी करते हैं। इनकी तो अब तू सोच क्या रहा है? तेरा भी बैग बाहर फेंकू क्या? सर करता हूँ तो सर। फेंक। सर 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 प्लीज माफ कर दीजिए सर। बदमाश। क्या हुआ? चल हट। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तुम्हारे दोस्त क्वेश्चन पेपर चुराते हैं और दूसरा लड़की को लेकर आता है। व्हाट इज दिस? इसे क्या लॉज समझ के रखा है? सॉरी, हदे पार कर दी। क्यों शरद, हॉस्टल में इतना सब कुछ हो रहा है तो तू करता क्या है? आंखों पर पट्टी बंधी हुई है क्या? अंधा है क्या? सर, मुंह से आवाज निकालेगा तो शरीर से जान निकाल दूंगा। अब तू क्यों रो रही है? ओह सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया ना। इससे प्यार किया है, इससे ही शादी करूंगी, इससे ही बच्चे पैदा करूंगी, पर पता नहीं कब करोगी। लेकिन अभी तो गुल खिला रही हो। हाँ, चलो चलो। सर, सर, सर। देविका मैडम। सर, ए हर्षिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये फिल्म देखकर आई है। फिल्म? और ये अकेले नहीं गई थी, एक लड़के के साथ गई थी फिल्म देखने। ए, तेरी इतनी हिम्मत? ए, स्टॉप इट। इन सब की वजह तुम ही हो। मैं? यस। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम लोगों को इसीलिए रखा है ना कि सोने से पहले सारे रूम्स ठीक से चेक करो। अकल नहीं है क्या? मैं अलर्ट थी सर। डोंट टॉक टू मच। हर महीने तनख्वाह तो लेती हो ना, थोड़ा काम भी कर लिया करो। लेट्स मीट टुमारो मीटिंग। ओके सर। तुझमें जरा भी अकल नहीं है? 18 साल की भी नहीं हुई और लड़के के चक्कर में पड़ गई? अपने माँ बाप को बोलती तो शादी करके भेज देते, क्यों मेरी नौकरी खतरे में डाल रही हो? चलो। पांच सौ स्टूडेंट्स, 2 वार्डन, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स, 20 लेक्चरर्स, 1 प्रिंसिपल, 1 इंचार्ज, 10 अकाउंटेंट है इस कॉलेज में। लोग मेरे सामने खड़े होने से भी डरते हैं। ऐसे में तुम दोनों को मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कहां से आ गई? हाँ, रात में फिल्म देखना, दोपहर में कॉलेज बंक करना, प्यार के नाम पर लड़कियों के पीछे भागना, मौका मिले तो लड़कियों के साथ हॉस्टल में समय बिताना, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी? हाँ सर, आप जो कह रहे हैं वो सच है सर। हमने जो किया है वो राइट है या फिर रॉन्ग है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। अगर जिएंगे तो हम दोनों साथ में जिएंगे सर, नहीं तो साथ में ही मर जाएंगे सर। आप चाहे कोई भी एक्शन लीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। मुझे लगा था वो लड़की ही ऐसी है, पर तुझमें भी बहुत हिम्मत है, इसीलिए तुम लोग कॉलेज में नंबर 1 बन गए हो, पढ़ाई में नहीं प्यार करने में। इस कॉलेज से निकलने वाले हर स्टूडेंट्स का अगर रिमार्क होगा कंडक्ट में तो मैं बैड लिखकर साइन करता हूं, पर समझ नहीं पा रहा तुम्हारे लिए क्या लिखकर साइन करूं। ओके, तुम लोगों ने तो अच्छा काम किया है, गुड कंडक्ट लिखकर मैं साइन करूंगा।
खुशी से जाकर जी लेना। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर क्या बात है, इतना अर्जेंटली बुलाया? क्यों, आपको आपकी बेटी ने नहीं बताया? बहुत पूछा पर नहीं बताया सर। कैसे बताएगी ये, कोई अच्छा काम करती तो बताती ना। क्या किया है सर, बताइए हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है? आपने अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था ना, पर वो यहाँ क्या कर रही है पता है? एक लड़के के साथ फिल्म देखती है और रंगरलियां मनाती है आपकी बेटी। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप, हमारी बेटी फिल्म देख रही है और रंगरलियां मना रही है? हमारी बेटी ऐसी नहीं है सर। सही कहा आपने, सही कहा। हर माँ बाप को अपने बच्चे मासूम ही दिखाई देते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलो मानते नहीं है। क्यों शरद देविका, कुछ तो बताओ। हाँ सच बात है, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? कैसे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को, किसी से भी नहीं डरती है ये, सबको उल्टा जवाब देती है, जो मन में आए वो करती है। ऐसे बच्चों की वजह से कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है। एक झापड़ लगाऊंगा इसके आगे कुछ बोला तो। किसके बारे में बोल रही है और क्या बात कर रही है, मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोल रही है? स्टॉप इट। हमें मारने की बात कर रहे हो? अगर गलती से भी अपनी बेटी को कभी मारा होता तो आज बात यहाँ नहीं पहुँचती। पहले भी फोन करके तुम्हें बताया था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। चार लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी इसीलिए असल बात नहीं बताई। अब बताऊं क्या, क्या आखिर में क्या हुआ है? पता है आपकी बेटी ने क्या किया है? पूरी एक रात तुम्हारी बेटी एक लड़के के साथ उसके रूम में सोई है। माँ, माँ, मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, बस प्यार किया है माँ, मेरी बात पर भरोसा कीजिए माँ, सुनिए मेरी बात। चुप कर, प्यार किया है कह रही है, अकल नहीं है क्या तुझे? ये तूने क्या कर दिया, हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। मत मारो इसे, मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती। ये क्या कर दिया तूने, बचपन से तुझे पलकों पे बिठा के रखा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। बेटी गलती करती है तो माँ को सुनना पड़ता है, पर तेरे लिए तो तेरे पापा को सुनना होगा। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। मत मारो, देखो मत मारो। जो हो गया सो हो गया, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो हम अपने गाँव चलते हैं। जाओ अपना सामान पैक करके लाओ, जाओ। जाओ, तुमसे ही कह रहा हूँ। प्रिंसिपल सर, मेरी बेटी ने भले ही प्यार किया होगा पर वो कभी मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी, मुझे इतना भरोसा है। मैंने उसकी परवरिश की है, बच्चे माँ बाप को हमेशा प्यार देंगे ये पता नहीं मुझे, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा प्यार करते ही रहेंगे। वो जिससे प्यार करती है मैं उसकी शादी उससे नहीं करवाऊंगा क्या? लेकिन हाँ, बस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। आप लोगों की बातें मानकर उसे गलत मान लूं, इतना ना समझ नहीं हूं मैं। वो मेरा गुरूर है सर। चलता हूं। सच में आपका प्यार बहुत महान है। लड़कियों के पैदा होने से दुखी होने वाले पिताओं को तो देखा है, लेकिन बेटियों से इससे प्यार करने वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलिए चलिए, स्टॉप आ गया, उतरिए उतरिए, जल्दी कीजिए जल्दी। भाई साहब आपका बैग उठाइए, हाँ ले जाइए जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो, पहुँच ही गए। बहुत खुशी हुई सर। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। आपके साथ सफर करने में, चलता हूँ, मेरी बेटी रात ही खूब होगी। ठीक है, चलता हूँ। चलो चलो आगे बढ़ो। सुनो भाई, कोणपल्ली न्यूटन कॉलेज। सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ? आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं सर? बेटी के गहरे प्यार के बारे में बताया, पिता को देख लिया, तो बेटी को भी एक बार देखने का मन है। चलो भाई, यहीं पर भाई, रोक दो, रोको रोको रोको, ये लो रख लो। कैसा लगा सर कॉलेज? कॉलेज तो बहुत बढ़िया है सर, मेरी बेटी यहीं पढ़ती है।
आइए। अरे सुनो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, जरा मेरी बेटी को बुला दो, मुझे उससे मिलना है। अच्छा ठीक है सर, आप वहाँ पर बैठिए। हाँ ठीक है। हाँ। आइए सर। कोई बात नहीं सर। आजकल स्टूडेंट्स में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। मैडम 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 मैडम। हाँ नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। हर्षिता को भेज दीजिए ना, उससे मिलकर चला जाऊंगा। एक बार बुला दीजिए ना, यहाँ आए बहुत समय हो गया मैडम। ठीक है सर, मैं भेजती हूँ, आप बैठिए। आप बैठिए, मैं भेजता हूँ। ठीक है, चलिए बैठिए। दो क्लास तो मैंने ले लिए हैं। अरे सर सर, नमस्ते। मैं हर्षिता, राजमंदरी की लड़की। हर्षिता के पिताजी ना सर? आप ठीक है ना? बढ़िया हूँ सर। हाँ। मेरी बेटी को बुला देंगे सर, उससे मिलना है मुझे, बहुत देर हो गई हमें आए हुए। आपकी बेटी? हाँ हाँ ठीक है, आप यहाँ पर बैठिए। हाँ। मैं भेजता हूँ। प्लीज। अजीब मुसीबत है, क्या आ जाएगी अभी। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, लगता है यहाँ आपकी जान पहचान बहुत अच्छी है। हाँ, मैं जब जब आता हूँ सबसे यूं ही बात कर लेता हूँ ना, इसीलिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या आपने इतने लोगों को कहा लेकिन किसी ने आपकी बेटी को नहीं बुलाया? बुजुर्ग इंसान को इतनी देर इंतजार करवा रहे हैं? इन लोगों में थोड़ी भी अक्ल नहीं बची है क्या? आ जाइए। आप रुकिए, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करके आता हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम रमेश है, यहाँ पर हमारी बेटी पढ़ती है। बैठ जाइए। थैंक यू। एक बार मैं उससे मिलने आया हूँ, लेकिन कितने लोगों को कहा उसे किसी ने नहीं बुलाया। कौन है आपकी बेटी, नाम क्या है? मेरी बेटी मतलब वो मेरी बेटी नहीं है। हाँ? वो वहां जो बैठे हैं ना, वो देखिए उनकी बेटी है। हर्षिता है क्या? हाँ सर, राजमंदरी जी की लड़की है। अब क्या हुआ सर, प्लीज एक बार बुला दीजिए ना, बस थोड़ी देर बात करके चले जाएंगे। अगर होगी तो बात करोगे ना? नहीं है मतलब? क्या हुआ सर? जा रहे हो राम? यहाँ इतना कुछ हो रहा है और तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो। हमने सिर्फ इसीलिए प्यार किया था क्या? सॉरी हर्षिता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना होगा। राम, यहाँ पर सबका कहना है कि मेरी गलती है, ये मेरी अकेले की गलती है। प्लीज मुझे जाने दो। राम, बिना जवाब दिए जा रहे हो तुम। हम खामोश हैं इसीलिए हमें गलत ठहराया जा रहा है राम। प्लीज राम मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मत जाओ राम। अरे छी, शर्म नहीं आती? पढ़ने के लिए भेजा था, तुम इसके प्यार में पड़ गई। ये सब क्या है हर्षिता, बचपन से तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखा हमारी इज्जत नीलाम करने के लिए, नाजों में रखकर तुम्हारी परवरिश की, इसलिए तुम मुझे ये तकलीफ दे रही हो।
मैं अपने गांव में सिर उठाकर इज्जत से कैसे जी पाऊंगा? यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, उनमें से किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया और तू मेरी बेटी होकर ऐसा कर रही है। बहुत हुआ, जाओ अपना सामान लेकर आओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाओ। आँखें नम ना हो सुन ले यारा, यूं दूर ना जाना ओ मेरी जान। मैं तो तेरी थी तू सुन लेना, किस्मत ये कैसी अपनी। ऐसे न जाओ, रुक भी जाओ। उनकी बेटी मर गई है ये बात उनको पता नहीं है क्या? उनकी आंखों के सामने ही उनकी बेटी की मौत हो गई, इसीलिए उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। वो इस भ्रम में हैं कि उनकी बेटी जिंदा है, इसीलिए वो कॉलेज की छुट्टियों में अपनी बेटी को ले जाने के लिए यहां पर आ जाते हैं। ये सब उस लड़के की वजह से हुआ ना, वो उसे धोखा देकर चला गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। नहीं सर, उसकी मौत का इकलौता कारण वो लड़का नहीं है सर, हम सब उसकी वजह हैं। खास तौर पर मैं उनके प्यार को समझ ही नहीं पाया। जाने से पहले तुझे एक बात बताता हूं,
असल में तू यहां क्यों आया है? तेरे माता पिता कितनी परेशानी उठाकर तुझे पढ़ा रहे हैं, तूने इसके बारे में कभी सोचा है? वैसे भी तुझे लड़कियों के अलावा कुछ सोचने की फुर्सत ही कहां है जो उनके बारे में सोचेगा। घर में तेरी मां बहन किस हालत में जी रहे हैं इसके बारे में तुझे कुछ पता है? दुबई से तेरे पिताजी उन्हें कितने दिनों से फोन नहीं किए हैं ये तुझे पता है? उन्होंने एक बार भी क्यों फोन नहीं किया इसके बारे में कभी सोचा है? दुबई में तेरे पिता की मौत हुए 10 दिन हो चुके हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे पापा मर नहीं सकते हैं। मर चुके हैं। तेरे पापा की लाश को यहां लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इस बात से वो कितने परेशान हैं इसका तुझे एहसास भी है? छोटी सी गलती करने पर भी मैं पेरेंट्स को बुलाता हूं, और तूने इतनी बड़ी गलती की है फिर भी वो यहां नहीं आए हैं, और मैंने यहां उन्हें क्यों नहीं बुलाया तुझे पता है? उसकी वजह है तेरे पिता की मौत, और ये बात तुझे पता चलेगी तो तू कहीं एग्जाम में डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए तेरी मां ने कहा कि उनकी लाश आने तक उसे मत बताना। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती कर दी सर, मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना सर, मुझे बस अपने गांव जाना है सर, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने, मुझे अपने घर जाना है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। बहुत कठोर बर्ताव किया है मैंने, बहुत परीक्षाएं ली है मैंने, मैंने सोचा कि सुधर जाएंगे वो लोग, लेकिन इस तरह से जान दे देंगे ये नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था वो जान दे देंगे। बहुत पहले ही मर गई वो, लेकिन जब जब मैं उसके पिता को देखता हूं मैं तब तब मरता हूं सर, तब तब मरता हूं मैं। ठीक है सर, मैं चलता हूं। अरे हेलो 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 सर नमस्ते। आप नमस्ते, कैसे हैं सर? मेरी बेटी अभी तक नहीं आई, कॉल कर रहा हूं तो फोन नहीं लग रहा है सर। बेटी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हो परीक्षा की तैयारी कर रही है तब डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो अच्छे से पढ़ाई करे, बहुत पढ़ना है उसे। सर बेटी के लिए कुछ मिठाइयां लेकर आया हूं। हाँ, उसको दे दीजिएगा, मन लगाकर पढ़ने के लिए कहिएगा। मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है, बस का टाइम हो गया। सर आप आएंगे? आप जाइए। ओके, चलता हूँ सर। मेरी बात मानकर ये चले जाते हैं, पता नहीं आखिर ऐसे कब तक ये जिएंगे। इनको ऐसे ही जीने दीजिए सर, इस दुनिया से विरक्त होकर अपनी बेटी की दुनिया में। प्यार करने वाले का प्यार मर सकता है, लेकिन जो परवरिश करता है उसका प्यार कभी नहीं मरता।